हेलो वेलकम बैक, दिस इज सुजीत और स्टार्ट करते हैं टिग्नोमेट्री। ओके, तो ये बिगनर्स के लिए आपने थंबनेल सही पढ़ा कि जिनको 7, 8 या 9 जो भी है वो स्टार्ट कर सकते हैं और 10 वाले को ऑब्वियसली करना ही है स्टार्ट। तो चलते हैं टिग्नोमेट्री की ओर। क्या ट्रिग्नोमेट्री? तो तीन वर्ड से बना हुआ है, ट्रिग्नो, ओनो एंड मेट्री। ओके, ट्रै का मतलब ट्रायंगल हो गया आपका, गोनो का मतलब एंगल हो गया, ओके, एंड मेट्री का मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी क्या कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री हम किसको कहेंगे? एक ट्रायंगल का जो एंगल होता है उसका मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ओके, राइट ऑफ। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं भी आता है फ्रेशर्स भी है वो भी कर सकते हैं। तो आज बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला, एकदम बेसिक चीज बताएंगे। अब भी स्टार्ट करते हैं, पेन कॉपी उठाइए और चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल को, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? हुज वन एंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं यहां बात करूं तो दिस विल बिकम अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अंडरस्टैंड? ये क्या हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। नेमिंग कर देते ए बी सी, और ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। जो 90 डिग्री पे बनाया है वो परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया एंड दिस विल बिकम अ हाइपोटेन्यूज। ये आप क्लास 6, 7, 8 में जान रहे हो ऑब्वियसली, दोस्तों जो आर इन क्लास 10 ऑब्वियसली आप भी जान रहे होंगे। तो ये पहले से जानते हैं, पाइथागोरियन ट्रिप्लेक्स भी आपको पता होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज ट्रिग्नोमेट्री में आपका यूज होने वाला है। ओके, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको राइट नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है, कुछ कुछ इसमें टर्म यूज होने वाला है, मैं उसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर मैं चलूंगा आगे। ओके, एक यहाँ यूज होने वाला है थीटा। व्हाट? थीटा, इसको क्या कहते हैं? थीटा। तो ये थीटा क्या होता है? ये स्पेशली एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए इसका अगर नाम लिखना चाहिए तो क्या हो, जैसे हम लोग मानते थे ना जूनियर क्लास में 9 में या 7 में 8 में कि लेट द एंगल बी एक्स, उसी तरह ये जो एंगल ए होगा उसका वैल्यू क्या होगा? थीटा। अल्फा, इसको भी हम एक रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए ये जो होगा ये अंदर का एंगल वो अल्फा हो गया। ठीक, बीटा। तो ये दो टर्म आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका थीटा यूज होगा एंड अल्फा यूज होगा। तो जब भी ये यूज हो तो आप समझ जाना ये किसके बारे में बात कर रहा है, एंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलते हैं कॉन्सेप्ट में। बेसिक चीज जो स्टार्ट होने वाला है अभी वो स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल, ठीक दिख रहा होगा, ए बी सी, और ये हमारा 90 डिग्री, और ये क्या है? थीटा। तो यहां हम अभी जो यूज करेंगे 6 क्वांटिटी यूज करने वाला है। एक क्या हो गया हमारा फर्स्ट, ये क्या हो गया? साइन थीटा। अब याद कर लीजिए ये टर्म होगा साइन थीटा। थीटा क्या होगा? रिप्रेजेंट करेगा क्या चीज को? एंगल को। और साइन का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ये बेस एंड दिस विल बिकम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, को हम लोग क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। ओके, दूसरा हमारा क्या हो गया? कॉस, सी ओ एस, कॉस थीटा। ठीक, और ये थीटा क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एंगल यहां पर कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री 90 डिग्री 80 डिग्री, बट ये वेरिएबल है। ठीक है, तो कॉस थीटा हमारा क्या हो गया? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और जो थर्ड वन होता है वो क्या होता है? टैन थीटा। टैन थीटा जो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक, इसी का उल्टा, ठीक, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? जो हमारा फोर्थ फॉर्मेट आने वाला है वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो हमारा क्या होता है, यहां पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, कॉसेक थीटा, यहां पे ट्रायंगल बना दे रहा हूं। कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाता है, तो यानी क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? फिफ्थ जो होगा वो किसका उल्टा हो जाएगा? कॉस का उल्टा क्या हो जाता है? शेक थीटा। शेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और जो लास्ट सिक्स वन होने वाला है ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, जो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, जस्ट
बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये छह ही क्वांटिटी आपको लिखना है। ये आपका फर्स्ट हो गया यहां से यहां, ठीक, और ये आपका सेकेंड वन हो गया कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ओके। साइन का उल्टा क्या होता है कॉस है, ये हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ये फोर्थ वन हो गया। ये फिफ्थ क्या हो गया आपका सेक थीटा, एक्चुअली सेकेंड जो होता है सर्कल में यूज, वही सेकेंड को हम लोग सेक थीटा लिखते हैं, हाइपोटेनियस बाय बेस। जो लास्ट वन होने वाला है सिक्स्थ वन कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, यही सबसे आपका बेसिक है और इसी के कॉन्सेप्ट से हम लोग एकदम बेसिक स्टार्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे रिलेटेड अगर आया क्वेश्चन तो कैसे कहेंगे, आपको ये याद होना चाहिए एनी हो, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन क्या दिया रहा होगा, साइन थीटा अगर आपको दे दिया, मान लीजिए किसी ने साइन थीटा दे दिया, क्वेश्चन में गिवन रहेगा साइन थीटा इक्वल टू आपका दे दिया 4/5, साइन थीटा इक्वल टू 4/5 एंड क्वेश्चन रहेगा फाइंड ऑल द टी रेशियो, फाइंड ऑल द टी रेशियो, ओके। टी रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जितने छे ही होता है आपका, छे ही, या तो इलेवेंथ कीजिए या ट्वेल्थ कीजिए, साइन कॉस टेन कॉसेक्स एक टेन कॉट, ओके, यही छे वैल्यू होने वाला है। तो यानी कि साइन का वैल्यू दे दिया 4/5 होगा, तो बताइए कॉस क्या होगा, टेन क्या होगा, सेक क्या होगा, एंड जो भी है 5/5 वैल्यू बचा उसको। तो सोए जी, अभी आपको नहीं पता, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का, ओके, और ये हमारा क्या हो जाएगा थीटा, ये मान लीजिए ए बी सी, और साइन थीटा आपको पता है साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इट मींस दैट क्या हो गया कि पी हमें दे दिया 4 एंड हाइपोटेनियस दे दिया 5, यानी परपेंडिकुलर हो गया 4 हाइपोटेनियस हो गया 5। तो बताइए बेस क्या होगा, तो आपको ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आता होगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मेरे को बी स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे, b को यहीं छोड़ देंगे और h square minus क्या कर देंगे p square, are you getting the point, ये हो जाएगा। तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं b square equal to h square minus p square, तो h हमारा कितना है 5, तो 5 का square कितना 5 का square minus 4 का square, ठीक है, याद कर लो। तो ये हो जाएगा b square equal to how much 25 minus 16, this will become a 9 बी स्क्वायर एंड बी इक्वल टू रूट अंडर नाइन, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा बेस होने वाला है वो 3 आने वाला है, यानी कि परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनियस 5 एंड बेस बिकम अ 3। अब तीन चीज आपको मिल गया, इस तीन के हेल्प से आप सारे जो 6 रेशियो पर हैं वो निकाल सकते हैं, जिसमें से एक रेशियो आपका गिवन है, 5 रेशियो आपको निकालना होगा, तो देखते हैं कैसे निकालें। ओके, कंसंट्रेट किया, पहला आपका हो ही गया, सेकंड क्या हो गया आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना दिया हुआ है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5, हो गया पहले का आंसर। दूसरा क्या, तीसरा क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, इट मींस दैट द आंसर विल 4/3, ओके। फोर्थ क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, दिस विल बिकम अ हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा, तो हाइपोटेनियस 5 है परपेंडिकुलर 4 है, तो दिस विल बिकम अ 5/4, ओके। चलिए जो फिफ्थ रेशियो होने वाला है वो क्या है सेक थीटा, तो ये क्या होता है हमारा सेक थीटा, ओके बताओ, सो इजी लग रहा है ना, सारा इजी कुछ है नहीं, सेक थीटा हमारा हाइपोटेनियस बाय बेस होता है, तो हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा
फाइव बेस हो जाएगा थ्री, एंड जो लास्ट वन है सिक्स वो हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, आर यू गेटिंग द पॉइंट, दिख रहा है यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, किसका उल्टा, टेन का उल्टा। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, अब बेस हो गया थ्री, परपेंडिकुलर हो गया फोर। दिस इज द आंसर, आपका हो गया सारा एक, ऑल जितने भी रेशियोस था एक गिवेन है और आपका पांच जितना भी रहेगा यही रहेगा। तो फर्स्ट लेवल, ये फर्स्ट वीडियो जो है आपका, आपको स्पेशली क्या करना है, सिर्फ रेशियो फाइंड करना है। इफ यू हैविंग आर एस अग्रवाल बुक ऑफ क्लास 10th सीबीएसई, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आप यहाँ क्वेश्चन करते रहे, बनाते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग करते रहिए। ओके, थैंक यू।